वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज डॉक्टर मनोज बंधुआ। और फ्रेंड, आज हम एक प्री मेच्योर इजुकुलेशन का एक केस देखेंगे। और ये पेशेंट अराउंड 26 इयर्स ओल्ड हैं और इनकी जस्ट अभी शादी हुई है। और पेशेंट का मेरे पास एक दिन आने के एक दिन पहले कॉल आया कि डॉक्टर साहब मुझे ना धीमी आवाज़ में कि डॉक्टर साहब मुझे ना लिंग का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि मैं क्या आ जाइए, मैं क्लिनिक पे देखता हूँ आपको। तो पेशेंट आया और क्लिनिक पर कैबिन में जैसे ही आए तो आते से उन्होंने एंट्री करी और फट से मेरा गेट लगा दिया, चेयर उठाई और चेयर उठा के मेरी चेयर के एकदम तो मेरे सामने आके ना बिल्कुल चिपक के मेरे टेबल के पास में बैठ गए और बोले डॉक्टर साहब बिल्कुल वो वाली तकलीफ है, इतना धीमा साउंड। तो मैंने कहा कि वो वाली मतलब कि सर वो वाली। तो मैंने कहा बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने दरवाज़ा लगाया है तो बाहर आवाज़ कुछ जानी नहीं है। और ये तीन लड़कों के साथ, तीन उनके साथ में अटेंडर आए हैं। तो मैंने कहा कि बताइए कि सर मेरा है ना पेन से ना पहला ऐसे था अभी ऐसा हो गया। तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा अब यार डॉक्टर साहब अब और क्या बताऊँ आपको मैं, यार इतना बता दिया मैंने आपको। तो मैं क्या आप थोड़ा सा बताइए क्या तकलीफ कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, क्या यार आप भी यार मतलब वो इस प्रकार से शर्माने लग गए। तो मैंने कहा आपको बताना पड़ेगा, आपकी तकलीफ है तो मुझे पूछना है और आपको बताना है। तो बोले कि ये क्या है, देखो ना कि ये पहले इसमें ऐसा बिल्कुल तनाव था बिना ये ऐसा हो गया सर, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी मतलब बिल्कुल ठंडा हो गया है, मतलब कोई तनाव वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि कब से है, तो बोले 4 महीने से है। तो मैं कि 4 महीने से तो फिर आपने इलाज क्या लिया। तो बोले कि डॉक्टर साहब वो आसपास डॉक्टर जो है वहाँ पे उनको इलाज लिया मैंने, आयुर्वेदिक भी लिया तो, पर उससे मुझे आराम नहीं पड़ा। तो मैं फिर आपको यहाँ कैसे आने मिला। तो बोले कि वो आपका एक मैंने केस देखा था, तो वो मैं देखा तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि मैं आपको दिखाऊँ आके एक बार, तभी मैंने आपको उसमें आपके उस वीडियो में आपके नंबर थे तो मैंने आपको कॉल किया। तो अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि और कोई, तो बोले कि मैंने पूछा कि भाई आपको ये तकलीफ 4 महीने से है तो आप अभी तक मेरे पास ये अभी आपके साथ 3 लोग आए हैं तो आप अभी तक आए क्यों नहीं, आपको तो मेरा वीडियो देखे 15 दिन हो गए, आपने फ़ोन कल किया मुझे, आपने कहा ना बोले कि सर मैंने देखा उसको। बोले कि हाँ 15 दिन पहले देखा था मैंने, पर मेरे कजिन ब्रदर है ना वो एग्ज़ाम देने गया था तो उसके एग्ज़ाम से आने का मैं वेट कर रहा था कि वो आएगा तो ही मैं साथ में चलूँगा। तो मैं कहा आप अकेले नहीं आ सकते। बोले कि नहीं मैं बाज़ार में, मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता कहीं भी, तो मैं साथ में लेकर आया मैं कि मुझे अकेला थोड़ा सा बोलने में टेंशन होता है ऐसे बीमारी में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा क्या होता है मतलब जब आप करते हैं तो क्या दिमाग में आता है। सर वो मैं करने जाता हूँ ना तो मेरा इरेक्शन नहीं आता है तो मेरी वाइफ मुझे चिल्लाती है कि तुम इलाज नहीं करवाते मेरा अपना है, और भी बहुत कुछ बोलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता सर। अंदर तो बहुत अंदर से ऐसे गिल्ट फील होता है, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि भला ये क्या मतलब अपने आप को बहुत धिक्कारता हूँ मैं कि ये बीमारी क्या बीमारी हो गई, मतलब मुझे अंदर से बहुत गिल्टी फील होता मुझे और मैं बहुत शर्मिंदगी फील होती मुझे मेरी वाइफ के सामने कि मैं ये मतलब एक मर्द होना चाहिए और मर्द होने की वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा कि आपने ये प्रॉब्लम मुझे किसी को बताया है क्या। बोले मेरी वाइफ को पता है और मेरे एक कज़िन ब्रदर को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है और मैं ऐसी बातें किसी को बोलता भी नहीं। मैंने क्यों कि सर मेरे में अगर ये बात बाहर पता चलती सर मेरी इज्जत का क्या होगा सर।
मेरी इज्जत तो सर होगी ना सर, मेरी इज्जत के पंचनामे हो जाएंगे सर। तो मैंने कहा कि आपको कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खाई जा रही है, क्या टेंशन है आपको, दिक्कत क्या है आपको, ये सब जब चीज़ें हो रही हैं तो कुछ नहीं बोले वो। तो मुझे उनसे वो कंसर्न लेना था। तो जनरली अगर मेटाफिजिक्स पे देखें तो ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, इनको होता है ऐसे केसेस में, या कॉन्फिडेंस या एंजाइटी होती है अगर हम साइकोडायनेमिक देखें। तो मुझे चेक करना था कि कहीं ना कहीं इनको कुछ है क्या। तो मैंने पूछा कि शादी के पहले आपको कोई अफेयर था क्या? तो उन्होंने बोला एकदम एकदम आश्चर्य नजर आश्चर्य होकर देखा कि हाँ सर आपको कैसे पता। तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ मैं कि होगा 100% क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम आया है। तो बोला हाँ था सर, और मैंने उस लड़की से शादी करने तक का मन बना लिया था, बट और मेरे को पूरा शादी करने का पूरा मन था उससे, बट मुझे कुछ ऐसी बात पता चली उस लड़की के बारे में तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत हताश हो गया कि मुझे नहीं करना, मैं इससे इतनी उम्मीदें लेके बैठा था और वो क्या निकली, उसका कहीं और अफेयर निकला। तो फिर मैंने उसको नहीं छोड़ के और फिर मैंने अपनी दूसरी शादी की, बट बस यही है सर। तो मैंने कहा कि इसको लेकर कुछ आपको दिमाग में टेंशन है क्या, 4-5 महीने से आपको लेकर कोई दिमाग में विचार आ रहे हैं क्या, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं? तो बोले कि तो पेशेंट को मैंने पूछा तो पेशेंट एकदम साइलेंट, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं। कि मैंने कहा कि भाई इसको लेकर आपको कुछ मन में डर कोई टेंशन कोई तनाव है कुछ क्या? बहुत देर तक पेशेंट ने बहुत कुछ नहीं बोला। तो मैंने पेशेंट कहा कि आपको मैंने पेशेंट से बोला कि सर आप नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको क्या दिमाग में अब टेंशन चल रहा है सर? यार ये बात हुई क्या, कुछ जानना जरूरी क्या? तो मैं क्या आपको अच्छा ट्रीटमेंट अगर लेना है तो आपको ये चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी और आप इसके लिए मुझ पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बोले कि सर देखो ना आजकल की अगर मुझे मुझ में अंदर कोई कमी होगी तो कोई लेडीज मेरे साथ क्यों रहेगी क्या, उसकी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं। अगर मुझ में कमी है तो वो तो उसकी तो उसको तो उसकी ज़रूरतें रहेगी ना सर, तो वो फिर उसकी ज़रूरतें पूरी कहाँ करेगी, वो मेरे पास नहीं होगी तो कहीं तो जाएगी ना सर, और वो तलाक भी हो जाता है कई बार, तो लेडीजें छोड़ के चली जाती हैं। तो अच्छा, तो मैंने कहा कि और सर ऐसा होता है तो सर इज्जत की कितनी नीलामी होती है, ये टेंशन मुझे खाई जा रही कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी इज्जत की कितनी नीलामी होगी और ये मुझे यहाँ भी नहीं रहेगी, चली जाएगी और बाजार में सब जगह बोलेगी तो मैं तो सर कहीं का नहीं रहूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मेडिसिन देता हूँ। मैंने इनको 200 के तीन दिन के बीडी के डोज दिए और 20 डेज पर फॉलोअप लिया इनका, अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। 35% के आसपास, 30-40% के आसपास वो रिलीफ हुआ और मैंने फिर इनको फिर 1 मंथ का फॉलोअप लिया जिससे काफ़ी बेटर इरेक्शन आने लगे और लगभग 2-3 महीने के अंदर का एक केस पूरा शॉर्ट आउट हो गया और पूरा रिलीफ हो गया इनको। सेकेंड मंथ में काफ़ी रिलीफ हो गया था बट वो इनसे हमने उनको एसएल पे ही रिपीट रखा, उसके बाद हमने उनको पोटेंशियल नहीं दिया और 200 के ही डोज पे वो ठीक हो गए। अब इस केस में सबसे पहला रूबरी मुझे जो मार्ग था वो था सिक्रेटिव, आते से गेट बंद कर देना, गेट बंद करके फिर कमरे में बैठना, कमरे में भी धीमी आवाज़ में बात करना। तो ये सिक्रेटिव बहुत प्रोमिनेंट था कि वो इतने ज़्यादा सिक्रेटिव है कि वो घर में सिर्फ उसकी वाइफ, उसका कज़िन और उनको अलावा किसी को बात पता नहीं है, और जनरली ये भी यूँ भी कि ये अपनी बात किसी को शेयर नहीं करते। और अपनी बात को कैसे बता रहे हैं, डॉक्टर साहब देखिए ये ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, वो इतनी धीमी आवाज़ से अपनी उंगली से इशारों से बता रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो सेकंड कम्युनिकेटिव, ये इनका कम्युनिकेटिव था कि भाई ये इशारों में अपनी बात को समझा रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुँह से नहीं बोल रहे हैं इशारे से बता रहे हैं। थर्ड, थ्रू आउट पूरे केस में इतने शर्मा रहे हैं बोलने में डॉक्टर साहब क्या बताऊँ यार, टिमिडिटी बेशफुल। थर्ड, ये अकेले बाजार नहीं जाते हैं, ये अपने कजिन ब्रदर का वेट कर रहे थे, वो आएगा तो मैं जाऊँगा और मैं जनरली अकेले नहीं जाता सर, मुझे थोड़ा असहज लगता है कि मैं कैसे क्या करूँगा वहाँ पे अकेले।
क्लिनिक कैसे ढूंढूंगा आपका, ऐसा वैसा। ये टिमिडिटी अबाउट अपेयरिंग इन पब्लिक, इनको ये पब्लिक में आने की एक टिमिडिटी होती है। तो ये टिमिड बंदा है, ये अकेले नहीं आ रहा है, दो तीन लोगों के साथ में आ रहा है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है आपको, तो बोले कि क्या क्या समस्या होती है जब आप नहीं कर पाते, और आए कैसे हैं मेरा वीडियो देखकर, इम्प्रेशनेबल। और जब पूछा कि भाई दिक्कत क्या होती है, तो बोले कि डॉक्टर साहब वो कर नहीं पाता हूँ, तो भाई बातें सुनाती है, ऐसा ऐसा बोलती हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है अंदर से, बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत शर्मिंदगी फील होती है, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट और इरप्रोचिंग वन सेल्फ, खुद को पूछता हूँ कि साला ये क्या हो गया मुझे। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपको शादी के पहले अफेयर था कुछ, तो बोले हाँ था, शादी की पूरी प्लानिंग चल रही थी लड़की से, पर लड़की का कहीं अफेयर निकला तो मैं बहुत नाउम्मीद हो गया उससे, बहुत मुझे हर्ट हुआ, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे। तो ये एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट है, उनको प्यार में जो आशा थी शादी वगैरह सब रिलेशन आगे बढ़ाने की, वो आशा निराशा में बदल गई, वो उम्मीद लेकर बैठे थे और वो नाउम्मीद हो गए। तो वो ये जो जहाँ अपॉइंटमेंट फिक्स था, शादी का अपॉइंटमेंट फिक्स था, अब वो डिसअपॉइंट हो गए। तो यहाँ उनको वो डिसअपॉइंटमेंट मिला और फिर उन्होंने उसके बाद से कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया। और अब वो क्या मन में लेके बैठे हुए हैं कि अगर बहुत टाइम तक उन्होंने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, एक रूबरिक है मर्फी में, हाइड ट्रू फीलिंग्स, अपनी फीलिंग को हाइड कर देते वो, बहुत इंसिस्ट किया तो बताया उन्होंने कि देखो ऐसे केसेस में सर है ना, लेडीज से घर पे नहीं रुकती, फिर वो चली जाती हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो उनको ये लग रहा है कि इनकी वाइफ चली जाएगी छोड़ के घर, और इनकी वाइफ अगर घर छोड़ी चली जाएगी तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो रूबरिक है डिल्यूजन, वाइफ विल रन अवे फ्रॉम यू, और फियर सोशल पोजिशन ऑफ, मेरी इज्जत का सब कबाड़ा हो जाएगा। तो इस केस के अंदर इनको जो मेन जो डर था, ये था डिल्यूजन इमेजिनेशन, वाइफ विल रन अवे फ्रॉम हिम, उसके यहाँ से वाइफ छोड़कर उसके मायके चली जाएगी और फिर वापस नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो मेरी समाज में इज्जत खराब होगी। तो ये सोशल पोजीशन का उनको एक डर लग रहा है कि वो होगी। तो उनको तो इन लोगों क्या होता है ना कि अपनी इज्जत का नुकसान होने का डर लगता है, अपनी इमेज, क्योंकि ये है स्टीव सेगरिया। स्टीव सेगरिया वो काम नहीं करेगा जिसमें उसकी इज्जत दांव पे लगे। इज्जत मतलब उनके लिए जो है वो डिग्निफाइड लोग हैं ना, कि डिग्निफाइड लोगों के लिए इज्जत गंवाना मरने के बराबर है। तो इनको वो अपनी इज्जत का नुकसान होने का डर लग रहा है कि मेरी इज्जत चली जाएगी, इज्जत का लॉस हो जाएगा, इज्जत पर घाव होगा, फियर इंजरी बींग इंजर्ड। तो ये केस स्टेफी सेकरे का था, हमने 200 के 3 दिन के डोज, उसके बाद में जो मैंने आपको फॉलोअप बताया वैसे, और पेशेंट कंप्लीट किया। तो ये एक स्टेफी सेकरे का फेसेट है, प्रिजन वाइफ विल रन अवे फ्रॉम हिम के साथ में पूरा उसका वो एक सोशल पोजीशन और रिप्रोचिंग वन सेल्फ, एम्ब्रेसमेंट, और बहुत सारे रूब्रिक इस केस के अंदर है। पर जो मेन मेन रूब्रिक जो मुझे इस केस में दिखे, जो सिक्रेटिव से कम्युनिकेटिव से जुड़ते हुए चले आए, और हमने उसको स्टेफी सेकरे दिया, और ये पेशेंट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव है। तो दिस इज़ द सिंपल केस ऑफ स्टेपी सेगरिया। हम फिर नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।